हेलो भाई, आप सभी का कृष्णा गुरु कॉलेज में स्वागत है। हम अपने बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो हमारा 2 वर्षीय प्रोग्राम है उसके अंतर्गत आज की इस वीडियो में बीएड सेकंड ईयर में जो हमारा बीएड द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत हमारा एक पेपर आता है जिसका नाम है कार्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक संलिप्तता। हमारे इस पेपर के अंतर्गत यही देख लीजिए आप, यानी कि कार्य शिक्षा, हम किस प्रकार से कार्य शिक्षा बच्चों को दिला सकते हैं या बच्चे ले सकते हैं। गांधी जी की नई तालीम के बारे में अध्ययन करेंगे और सामुदायिक संलिप्तता, यानी कि एक बालक समुदाय में किस प्रकार से संलग्न रहता है, जो समुदाय के कार्य है उसमें किस प्रकार से संलग्न रहता है, इन सभी का अध्ययन हम अपनी इस बुक के अंतर्गत करेंगे या इस पेपर के अंतर्गत करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है, इससे पहले वीडियो में हमने अलग अलग टॉपिकों पर चर्चा की है। सो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है आनंद एवं संतोष के साथ कार्य, यानी कि हम ऐसा क्या करें कि हम आनंद, हर्ष एवं संतोष, संतुष्टि के साथ कार्य कर सकें। वर्क विद हैप्पीनेस सेटिस्फेक्शन, यानी कि हमारा जो कार्य है वह ऐसा होना चाहिए जिससे हमें सेटिस्फेक्शन भी मिले, यानी कि संतोष, हमारी संतुष्टि भी हो जाए, हमें संतोष भी प्राप्त हो और उस कार्य में हमें आनंद की अनुभूति हो, यानी कि हैप्पीनेस हो, हमें हर्ष महसूस होए, हम उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। और बालक ऐसे कार्य को बहुत ही जल्दी सीखते हैं जिन कार्यों में उन्हें हर्ष की अनुभूति होती हो और संतुष्टि भी हो जाए। सो गाइस, हमारी अमेरिकी साहित्यकार है, वह बहुत प्रसिद्ध हुई है, हेलन केलर। क्या नाम है? हेलन केलर। हमने बोर्ड पे मैडम उसका साहित्यकार का नाम नहीं लिखा है, प्रसिद्ध अमेरिकी साहित्यकार के अनुसार उनका जो नाम है वह है हेलन केलर। मैं यहां लिख देता हूं, हेलन केलर के अनुसार, हेलन केलर जो हमारी अमेरिकी साहित्यकार है, देखो क्या कहती है, जब खुशी का एक दरवाजा बंद होता है, यानी कि हमारे लिए अगर खुशी का एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, यानी कि जिस काम को हम कर रहे हैं, जिस काम से हमें खुशी मिल रही है, अगर वह रास्ता हमारे लिए बंद हो जाए तो हमारे लिए जो प्रभु है वह दूसरा रास्ता खोल देता है। लेकिन हम बंद दरवाजे की ओर इतने लंबे समय तक देखते हैं, यानी कि जो रास्ते हमारे कार्य में बाधा डाल रहे हैं, जो काम, यानी कि जो रास्ते हमारे लिए बंद हो चुके हैं, हम उन रास्तों को इतने लंबे समय तक देखते रहते हैं कि जो दरवाजा हमारे लिए खोला गया है वह हमें नहीं दिखाई देता या नहीं दिखता। तो हमारी जो हेलन केलर मैडम है वे यही कहती है कि अगर हमारे लिए खुशी का एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरा खोल दिया जाता है, लेकिन हम उस बंद दरवाजे को तब तक देखते हैं जब तक, यानी कि बहुत लंबे समय तक देखते हैं, जिसके कारण हमें अपना दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता। उनका कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हमारे किसी काम में किसी कारण से कोई रुकावट आ रही है तो हमें वह काम छोड़ देना चाहिए, यानी कि उस रास्ते को ही छोड़ देना चाहिए और दूसरे रास्ते पर चल देना चाहिए। ये नहीं कि हम उसी
बात को बार बार रोते रहे कि हमारा नुकसान हो गया है, हमारे लिए ये सब बाधाएं आ गई हैं, नहीं, उन बाधाओं को पार करने के लिए हमें दूसरे रास्ते भी मिल जाते हैं। सो भाई, हमें ऐसे रास्ते छोड़ देने चाहिए जो हमारे काम में रुकावटें पैदा करती है, हमें दूसरे रास्ते अपना लेने चाहिए। ये नहीं कि हम उन्हीं रास्तों को सोचते रहे कि उन्हीं रास्तों से जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम संतोष के साथ आइए, इसके लिए हम पहले सबसे पहले भावना लिखेंगे। भावना यानी के इंट्रोडक्शन, किसी ने बहुत ही सटीक कहा है, एक छोटी सी पंक्ति है, उन्होंने कहा है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, यानी कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो क्यों ना चलो कुछ यूं कर ले, यानी कि हमारा जो घर है उससे हमारी जो मस्जिद है वह बहुत दूर है, चलो कुछ यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। यानी कि अगर हमारे रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आ रही है या हमारी मंजिल बहुत दूर है, तो हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करने के साथ साथ में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे किसी दूसरों का भी भला हो सके। उन्होंने यही बात कही है कि किसी रो चलो कुछ यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, यानी कि जो रास्ते में हमें रोते हुए मिल रहे हैं उनको हंसाया जाए। उनका तात्पर्य यही है कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिन कार्यों से दूसरों का भी भला हो सके। हमें अपने साथ साथ ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारे साथ साथ किसी दूसरे का भी फायदा हो। इंट्रोडक्शन में कहते हैं, मानव जीवन अमूल्य है। अब प्रश्न उठता है कि जीवन का ध्येय उद्देश्य क्या है, यानी कि मनुष्य का जो जीवन है बहुत ही अमूल्य है, लेकिन इस जीवन का जो ध्येय है, उद्देश्य है, वह क्या है? अन्य प्राणियों से अलग मानव स्वभावत है सबसे अधिक सामाजिक प्राणी है, वह समाज से बंधा है क्योंकि समाज की उसकी आवश्यकता है, क्योंकि समाज से क्यों बंधा हुआ है, क्योंकि समाज उस प्राणी की आवश्यकता है, उसके सभी कार्य समाज में रहकर ही संपन्न होते हैं, बिना समाज के वह प्राणी उद्देश्यहीन हो जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य हैं जो बिना समाज के संपूर्ण नहीं हो पाते हैं। समाज से बाहर, परिवार से बाहर व्यक्ति पल बढ़ नहीं सकता है। पशु पक्षियों के बच्चे पैदा होने के बाद बहुत ही जल्दी आत्मनिर्भर होने लगते हैं, लेकिन मानव के बच्चों को पूर्ण आत्मनिर्भर होने में बहुत लंबा समय लगता है। जो मानव के बच्चे हैं उनको पूर्ण आत्मनिर्भर यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होने में बहुत लंबा समय लगता है। पशु पक्षियों कि जीवन यापन शैली प्रत्येक समुदाय की लगभग एक ही होती है, वहां जो मापदंड होते हैं एक ही आकार के होते हैं। मानव का बच्चा परिवार में पैदा होता है, वह परिवार में ही बहुत लंबी प्रक्रिया के तहत पलता बढ़ता है। सामाजिक ताने बाने में मानवीय मूल्य नैतिक मूल्यों को ग्रहण करता है और समाज का सदस्य बनता है। मूल्यों को विकसित करके मानव जीवन में विभिन्न महत्वाकांक्षाओं से युक्त हो जाता है, यानी कि जो मानव होता है वह अपने जीवन में अनेक मूल्यों को विकसित कर अपनी महत्वाकांक्षाओं से परिपूर्ण हो जाता है, युक्त हो जाता है। वह
वह अपने जीवन में सुख और आनंद प्राप्त करते हुए जीवित रहता है। हम इस जीवन से पूर्व क्या थे इसका हमें ज्ञान नहीं है, इस जीवन के बाद क्या होंगे इसका भी आभास नहीं है। यानी कि हमारा जो ये जीवन है, हमें जो ये जीवन प्राप्त हुआ है, इससे पहले हम क्या थे, हम क्या कर रहे थे, उस चीज का हमें कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन इस जीवन में आने के बाद हमारा क्या होगा इसका भी हमें आभास नहीं है, क्योंकि अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो हम अपना जीवन सुखमय बिता पाएंगे, लेकिन अगर बुरी संगतों में पड़ जाएंगे या बुरे काम करेंगे तो हमारा जीवन कष्टमय ही हो जाएगा। अगर हम इस पृथ्वी पर जीवन प्राप्त कर चुके हैं तो हम जीवन जीना चाहते हैं, हम सुख पूर्वक आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं, उसके लिए कार्य एवं प्रयास करते रहते हैं। यानी कि हम जो कार्य और प्रयास करते हैं, अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, रात दिन अलग अलग कार्यों में संलग्न रहते हैं, इसलिए इस पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए हमारा हमें सुख प्राप्त हो, हमारा जो परिवार है वह भी सुख की प्राप्ति कर सके, हम आशाओं से युक्त होकर आगे बढ़ते रहते हैं। अनेक अनेक आशाएं हमें घेर लेती हैं जिनसे हम तरप होकर आगे बढ़ते रहते हैं। हमें मालूम है कि हमें जीवन का ज्ञान है, न तो इस जीवन के बाद का अभ्यास है, हमारे पास सिर्फ यह जीवन बचा एवं याद है। अतः हमें जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों साधनों से होकर जीना है। हमारा जो यह जीवन है, हमें इस जीवन को भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों साधनों के बीच रहकर उनका ज्ञान प्राप्त करकर जीना है। हमारा जो समाज है इसमें सहयोग एवं संघर्ष, यानी कि सहयोग एवं संघर्ष दोनों है। व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार सहयोग एवं संघर्ष करता है या चुनता है। किसी को सहयोग देकर वह एवं प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ाना अच्छा लगता है। यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे का सहयोग करते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, उनको अच्छा लगता है दूसरों का सहयोग करना। कोई लड़ाई एवं संघर्ष का रास्ता चुनता है, यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लड़ाई एवं संघर्ष का रास्ता चुनते हैं, जो दूसरों को कष्ट ही कष्ट देते हैं। हमारे सभी धर्म मानव को सहयोग के साथ आगे बढ़ने का, सफल होने का रास्ता दिखाते हैं। यानी कि हमारे जितने भी धर्म है वह मानव को सफलता के साथ आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं, सहयोग का रास्ता दिखाते हैं कि आपस में एक दूसरे का सहयोग करो, ना कि किसी का बुरा कार्य करो। नेक्स्ट पॉइंट है ना आनंद का स्रोत, यानी कि जो हमारी भूमिका का इंट्रोडक्शन था उसके अंदर यही बात कही गई है कि हमें जो भी कार्य करना होता है उसके सहयोग के साथ करें, दूसरों का भी फायदा करें। फिर हमारा है आनंद का स्रोत, कौन सा है आनंद का इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, हंसी एक प्रकृति प्रदत्त उपहार है। हमारी जो हंसी है, हम जो आनंद लेते हैं, वह हमें हमारी प्रकृति ने एक उपहार के रूप में दिया है। जब कोई प्रसन्नता मनु ने समाये की स्थिति को पार कर जाए
और समुचित वातावरण पाकर अचानक प्रकट हो जाए तो हम उसे हंसी की ही संज्ञा देंगे। यानी कि जब कोई प्रसन्नता हमारे मन में समा जाए, यानी कि किसी चीज को देखकर, किसी की बात सुनकर उसकी जो प्रसन्नता हमारे मन में समा जाए, उसकी जो उस प्रकार की जो स्थिति होती है, उसका जो समुचित वातावरण होता है, उसमें अचानक से खुशी प्रकट हो जाए तो उसे ही हम हंसी की संज्ञा देते हैं। यानी कि किसी की कही हुई बात को अगर हमारे मन सुनने के बाद हमारे मन को खुशी प्रकट होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हंसी कहते हैं। हमारा एकदम से जो है चेहरा फिर उठता है, हमारे फेस पर मुस्कुराहट आ जाती है, तो उसे ही हम हंसी कहते हैं। इस जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम वस्तु एक बार सांस लेना है। यानी कि हमारा जो यह जीवन है, इस जीवन में सबसे प्यारी और उत्तम वस्तु एक बार सांस लेना है तथा शरीर को अच्छा रखने की इच्छा से अच्छी दवा का एक बार खिलखिला उठना है। यानी कि हमारा जो शरीर है उसको स्वच्छ रखने के लिए, उत्तम रखने के लिए एक बार अच्छी से अच्छी दवा का एक बार खिलखिला उठना है। हंसी कितने ही कला कौशलों से अच्छी है। यानी कि हमारी जो हंसी है, बहुत सारे कलह होते हैं, बहुत सारी लड़ाई झगड़े होते हैं, उन सभी से बहुत अच्छी है। इसीलिए हमें हंसते रहना चाहिए। जितना ही अधिक आनंद से हंसेंगे उतनी ही आयु होगी। वह कहावत है कि मनुष्य जितना ज्यादा आनंद के साथ हंसता है उसकी कितनी ही दीर्घायु होती है। क्योंकि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको भी हमें हंसी के साथ करना चाहिए। ये नहीं कि हम उस काम को गुस्से से या उदास होकर करें, नहीं, हमें वह काम हंसी के साथ करना चाहिए। एक यूनानी विद्वान का कहना है कि सदा अपने कामों को टालने वाला हेरिक्लेस बहुत कम जिया। यानी कि हेरिक्लेस महोदय थे, वह सदैव अपने कामों को दूसरों पर टालते रहते थे और वह इसी कारण से अपने जीवन में बहुत कम आयु प्राप्त कर पाए। पर प्रसन्न मन से कीट्स 109 वर्ष तक जिया। यानी कि जो कीट्स महोदय थे वह हर समय प्रसन्न रहते थे और उसी प्रसन्न मन के साथ वह 109 साल तक जिए। हमारे प्रसिद्ध शिक्षाविद तथा ज्ञान शास्त्री डेल कार्नेगी कहते हैं कि मुस्कुराहट पर पैसा खर्च नहीं होता। यानी कि हमारी जो मुस्कुराहट है उस पर कोई भी पैसा खर्च नहीं होता। परंतु यह पैदा बहुत गलती है। यानी कि हमारी जो मुस्कुराहट है उस पर कोई भी पैसा खर्च नहीं करता, लेकिन यह पैसा बहुत पैदा करती है। यानी कि हम किसी काम को अगर हंसी के साथ करेंगे तो उस काम से हमें कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा ही, लेकिन अगर हम निराश होकर मायूस से उस काम को दूसरों पर लाद देंगे, नकार देंगे कि हमने ये काम करते तो उससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। पाने वाला माला माल हो जाता है लेकिन देने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। यानी कि जो मनुष्य पाता है वह माला माल हो जाता है, लेकिन जो मनुष्य किसी को देता है वह कभी दरिद्र यानी कि कमजोर नहीं होता, गरीब नहीं होता। हंसी खुशी का ही नाम जीवन है। जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। यानी कि हमारा जो जीवन है
हंसी खुशी से जिए उसी का नाम तो जीवन है। जो व्यक्ति हर समय रोते रहते हैं कि मैं इस काम को कैसे करूंगा, मेरे से होगा नहीं, इस न किसी कारण से वह रोते ही रहते हैं, तो उनका जो जीवन है वह व्यर्थ है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि मनुष्य न कर सके, लेकिन अगर वह कार्य हंसी खुशी के साथ किया जाए, जोश के साथ किया जाए, तो वह हमें लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य करा देता है। लेकिन अगर हम किसी काम को रो कर जजा कर करेंगे, गुस्से में करेंगे, मायूस होकर करेंगे, निराश होकर करेंगे, तो उस काम से हमें नुकसान ही होगा और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर नहीं उन्मुख होंगे और हमारा लक्ष्य हमसे हट जाएगा। जिंदगी जिंदा जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिली का क्या खाक दिया करते हैं। यानी कि जो आदमी जिंदा दिली के साथ जीते हैं वह अपने लक्ष्यों की प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो मुर्दा दिली से जीते हैं वह क्या खाक जीते हैं, वह तो जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हमारी जो बसंत है वह एक प्रेरणादायी ऋतु है जो जीवन में आनंद के तत्वों को उभार कर मानव समुदाय जो मानव का समुदाय है उसको सहज जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। प्रकृति पुष्कर पुष्कर यानी कि जो हमारी प्रकृति है पुकार पुकार कर यह संदेश देती है कि जीवन का परम लक्ष्य आनंद है, जिसे खोकर वह खुशी होने की कामना नहीं कर सकता। भौतिक स्मृति के साथ साथ यदि प्रसन्नता के तत्व को जोड़ दिया जाए तो ही जीवन अर्थपूर्ण हो सकता है। यानी कि हमारा जो जीवन है अगर उसके उसे जीने के लिए हम खुशी के तत्व जोड़ दें, खुशी के पल जोड़ दें, तो हमारा जीवन अर्थपूर्ण हो जाएगा। बसंत का यह संदेश मानव ने भले को सचमुच पृथ्वी हमारे जो बसंत का संदेश है यह संदेश मानव ने भूले तो सचमुच पृथ्वी एक बार फिर से स्वर्ग बन सकती है। यानी कि हमारी जो बसंत ऋतु है हमें जो संदेश देती है, अगर मानव उसी संदेश को सुनकर पढ़कर सोच समझकर आगे बढ़े तो हमारी जो ये पृथ्वी है वह फिर से स्वर्ग बन सकती है। बसंत ऋतु में जिस प्रकार से खुशी यानी कि हमारी जो बसंत ऋतु है उसमें जिस प्रकार से खुले हाथों से प्रकृति अपना खजाना लुटाती फिरती है, उसी प्रकार मानव को भी दयावान और दयाशील होने की जरूरत है। हमारी जो बसंत ऋतु है वह अपना खजाना जिस तरह से लुटाती है उसी प्रकार से जो मानव है उसको भी दयावान होना चाहिए, वह भी अपने दया का भाव ऐसे ही लुटाता रहे और दूसरों को खुश करता रहे और भी खुश रहे। ऐसा नहीं कि बसंत आने पर केवल मनुष्य ही प्रसन्न होते हैं, अन्य जीव जंतु पक्षी जिस तरह से कुलांचे मरते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं अथवा जिस भगिमा के साथ उछल कूद करते हैं वह दृश्य भी बड़ा ही मनोहरी होता है। यानी कि हमारी बसंत ऋतु आते ही साथ मनुष्य तो आनंद लेते ही, लेकिन जो और जीव है पशु पक्षी है वह भी अनेक प्रकार के अलग अलग तरीके से क्रीड़ाएं करते हैं और आनंद की अनुभूति देते हैं। बसंत ऋतु एक और जहां उल्लास मंग और नवीनता का प्रतीक है, वही यह जीवन में परिवर्तन की ओर भी इशारा करती है। हमारी जो बसंत ऋतु है वह जीवन को परिवर्तित करने का इशारा भी करती है। जीवन की इस परिवर्तनशीलता को जिसने भी समझा वह ज्ञानवान हो गया, परंतु जिसने न समझा वह अज्ञानी रह गया।
इस तरह बसंत ऋतु का एक संदेश यह भी है कि दुख और सुख को समान समझते हुए जीवन को निर्भर बनाने का प्रयास सदैव किया जाना चाहिए, यानी कि हमारा जो जीवन है उसे सफल बनाने का प्रयास हमें सदैव करना चाहिए। सुख और दुख दोनों समान है, अगर सुख है तो इस संसार में दुख भी है, बिना दुखों के हम सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। यानी कि अगर कभी हमारे जीवन में किसी कारण से कोई दुख आ जाए और उसे खत्म करके हमें सुख प्राप्त हो तो हमें उस सुख की अनुभूति होती है। जिस मनुष्य को दुख ही नहीं है उसके लिए तो क्या सुख और क्या दुख है, तो समाज ही अपना जीवन जीता रहता है। किसी ने कहा है हमेशा मुस्कुराते रहिए, ये चंद लाइनें हैं जो मैं सुना रहा हूं। सफर का मजा लेना हो, यानी कि अगर सफर का मजा लेना हो तो साथ में सामान कम रखिए। अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमें सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखिए। यानी कि अगर हमें अपने जीवन का आनंद लेना हो तो हमारे जो अरमान है, किसी की अलग अलग चीजों को प्राप्त करने की इच्छाएं हैं, वह कम रखनी चाहिए। क्योंकि तजुर्बा है मेरा, मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है, क्योंकि जो मिट्टी की पकड़ होती है वह मजबूत होती है। संगमरमर पर तो हमने पांव फिसलते देखे हैं। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमारी जो ये जिंदगी है इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ से बचकर कोई नहीं जाएगा, जिसके पास सिर्फ सिक्के थे वो मजे से भीगते रहे बारिश में। यानी कि जिस मनुष्य के पास केवल सिक्के थे वह बारिश में भीगते रहे और उस बारिश का भी आनंद लेते रहे, लेकिन जिसकी जेब में कागज के नोट थे वो छत तलाशते रहे। यानी कि जिनकी जेबों में कागज के रुपए थे वह तो केवल छत को तलाशते ही रहे और उस बारिश का आनंद भी नहीं ले पाए, क्योंकि उन्हें अपने नोटों को भीगने से बचाना था। हमेशा मुस्कुराते रहिए, इन पंक्तियों का यही आशय है कि हम किसी भी परिस्थितियों में रहे लेकिन हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। कभी भी अपने मन में निराशा पैदा नहीं होने देनी चाहिए जिससे कि हमें दुखों का सामना करना पड़े, हमें केवल मुस्कुराते रहना चाहिए। प्रसन्नता के लिए सकारात्मक सोच जरूरी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नहीं था, उन्होंने निश्चय किया कि उनको पढ़ना है,
उन्होंने यह अपने मन में बात ठान ली कि वह भी पढ़ेंगे, चाहे जो हो जाए। इतिहास गवाह है कि इसके लिए उन्होंने क्या क्या पापड़ बेले, पर वे पढ़े और इतनी कठिनाइयां चाहे जो हो, इतिहास गवाह है कि उन्होंने क्या क्या पापड़ बेले, लेकिन वे पढ़े इतनी कठिनाइयां आने पर भी कभी नकारात्मक नहीं सोचा और एक दिन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। अंत जो इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, जॉर्ज वाशिंगटन, वह अपने भाई के साथ मजदूरी करते थे, कोयले की खदानों में काम करते थे, लेकिन एक बार उन्होंने यह सुनी कि कालों के लिए भी स्कूल खोलने की व्यवस्था की जाए, तो उन्होंने अपने मन में यह बात ठान ली थी कि मैं भी पढ़ूंगा। और बहुत सारी कठिनाइयों के आने के बाद वह पढ़े और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। इसीलिए हमें कोई भी काम करने के लिए सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हमें मंजिल अवश्य मिलेगी। सकारात्मक सोच के साथ साथ हमें कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। अपने कार्य में लगे रहना चाहिए और कठिन परिश्रम कर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उससे हमारी मंजिल, हमारा जो लक्ष्य है, हमें अवश्य ही प्राप्त होता है। एक उदाहरण और देख लीजिए, हमारे सिकंदर महान इसलिए महान हो गए कि उन्होंने कभी नकारात्मक सोचा ही नहीं। जो सिकंदर महान थे उन्होंने कभी भी अपने जीवन में नकारात्मक सोच पैदा होने नहीं दी, यानी कि अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक सोचा ही नहीं। बस सोचा तो केवल सकारात्मक और युद्धों में।